अच्छा बताओ, सूरज अगर रात को निकलता तो क्या होता? तो सर चांद दिन में निकलता ना। अच्छा, एरोप्लेन जो है वो करीबन 1500 की स्पीड से उड़ता है। हाँ सर। और ट्रेन भी करीबन 100-150 की स्पीड से चलती होगी। जी सर। और बस भी जो है वो करीबन 50-60 की स्पीड से तो चलती होगी। सर आप असल में क्या कहना चाहते हो, मुझे कुछ नहीं समझ रहे। ये सब मैं जो पूछ रहा हूँ ना, तो इससे आपको क्या लगता है कि मेरी एज क्या होगी? सर आप 40 साल के हो। वाह, तुम्हें कैसे पता? सर मेरा एक भाई है ना, वो 20 साल का है। तो सर उसे लोग ना आधा पागल कहते हैं। है? कहने का मतलब है दोस्तों रुकिए रुकिए, अभी दूसरा वीडियो बाकी है, लेकिन उससे पहले इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट डालना मत भूलिए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हाय मीनू, कैसा रहा तेरा फेस्टिवल सीजन? हाय, फेस्टिवल सीजन तो बहुत बढ़िया था यार, बस एक प्रॉब्लम हो गई। कैसी प्रॉब्लम? वो क्या है ना, हम सिटीज में रहते हैं ना, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे यार प्रॉब्लम ये है कि हमारे सारे जो फेस्टिवल्स है ना वो गांव के रीति रिवाजों के। तो इसमें तेरी प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम इसमें ये है कि श्राद्ध हो या कन्या पूजन, एक एक हिस्सा गाय और कुत्ते के लिए तो निकालना ही पड़ता है, और तुझे पता ही है शहरों में गाय मिलना कितना मुश्किल है। हाँ, शुरू शुरू में मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस की थी, बट बाद में इसका हमारा इलाज मिल गया। क्या किया तूने, घर में कुत्ते और गाय पाल लिए क्या? गाय का हिस्सा मैं खुद खाती हूँ और कुत्ते का हिस्सा इनको खिलाती हूँ। क्या? हाँ।